वेलकम टू एजुकेशन दर्शन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर के आपके पास आए हैं। जितने भी कैंडिडेट्स जो SSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो है, क्योंकि अब हम SSB को लेकर के आपको एक स्पेशल सीरीज देने वाले हैं, जिसमें आपको SSB की जितनी भी प्रिपरेशन है वो कराई जाएगी। और जितने भी आपके जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट फर्स्ट डे का होता है और सेकेंड डे में जो टेस्ट होते हैं साइकोलॉजी टेस्ट, तो उतने सारे जो टेस्ट होते हैं फर्स्ट डे सेकेंड डे के, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ या साइकोलॉजी टेस्ट हुआ या ग्रुप टास्क जो भी होता है, उन सभी चीज़ों की प्रिपरेशन आपको कराई जाएगी, जो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो जितने भी कैंडिडेट जितने भी एस्पायरेंट्स हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, उन्हें मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आपको मैंने बताया था कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें 8092126103 तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि SSB के लिए है। और हम एक CDS 2020 के लिए भी एक नई ग्रुप बना चुके हैं, उसमें भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके उसके रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम लोग आज बात क्या करने वाले हैं, आज ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आपका जो फर्स्ट डे होता है SSB का, जो कि स्क्रीनिंग डे कहलाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें आपको क्या क्या कराया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे आज इस स्पेशल वीडियो में कि व्हाट इज़ OIR, OIR क्या है। तो आपको इस वीडियो में OIR के बारे में बताया जाएगा और OIR की इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो चलिए हम पहले चर्चा करते हैं कि जो स्टेज 1 है वो है क्या। स्टेज 1 जैसे कि आप देख सकते हैं, स्टेज 1 जैसे स्क्रीनिंग डे कहते हैं, स्क्रीनिंग डे जो आपका होता है, स्क्रीनिंग डे कंसिस्ट ऑफ OIR एंड PPDT टेस्ट। OIR तो OIR टेस्ट और PPDT टेस्ट होता है। तो ये OIR क्या होता है, OIR का मतलब होता है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। ऑफिसर्स की इंटेलिजेंसी की यहाँ पे टेस्ट की जाती है इस टेस्ट के द्वारा। और PPDT का मतलब होता है पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आपको पिक्चर दिखाया जाएगा, उसके ऊपर आपको मीनिंगफुल स्टोरी लिखनी होती है, जो कि आपको गिवन टाइम होता है वहाँ पे। तो ये OIR टेस्ट क्या होता है और OIR का क्या इंपॉर्टेंस है, हम सभी बातों के ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं OIR टेस्ट को लेकर के। तो चलिए हम लोग सीधे चर्चा करते हैं OIR क्या है। तो व्हाट इज़ OIR, तो इसका आंसर आपको सीधा सीधा मिलेगा कि OIR जो है वो है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग। इसमें आपके जो बेसिक इंटेलिजेंस है उसके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर आप जैसे CDS के एग्ज़ाम देकर के आओगे या NDA के भी देकर के आओगे, तो जो आपके CDS में जनरली क्या होता है कि आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस नहीं किए जाते रिटन एग्ज़ाम में, पर यहाँ पर जब आपको CDS के बाद रिटन के बाद जब आप SSB में आते हो तो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाते हैं, जो कि होते हैं आपके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों, वर्बल और नॉन वर्बल, यानी कि पिक्चर्स वाले क्वेश्चन भी होते हैं आपको, पैटर्न वाले क्वेश्चन भी होते हैं, और नॉर्मली आपको नंबर सीरीज ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। तो ऐसे आप जितने भी कैंडिडेट्स जिन्होंने SSC की भी एग्ज़ाम दी है, ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट ज़रूर होंगे जो SSC की एग्ज़ाम भी देते हैं, तो उन सभी को रीजनिंग ज़रूर पता होगा। तो रीजनिंग जैसे आता है आप देख सकते हो कि रीजनिंग का लेवल होता है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात आपके लिए क्या होती है यहाँ पे, कि आपको जो होता है कि एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिशियल बातें भी आपको बताऊंगा मैं, जो भी आगे हम देखेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग है क्या। तो यहाँ पे OIR टेस्ट जो होता है वो बेसिकली एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपको वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग बताया जाता है, ठीक है, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपके माइंड की जो एबिलिटी है, जो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, होता क्या है कि हमें रीजनिंग में तुरंत तुरंत सोच करके वहाँ पे आंसर करना होता है। बाकी तो आप समझ ही सकते हो कि तुरंत आंसर करना मतलब कि आपकी इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप तुरंत किसी भी चीज़ में तुरंत से डिसीजन कर पाओ कि हाँ इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको दो सेट्स दिए जाएंगे, उन दोनों सेट्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको उनके आंसर्स करने होते हैं। अब आगे जानते हैं हम लोग कि ये ज़रूरी क्यों है, वाई इज़ इट रिक्वायर्ड, क्यों ज़रूरी है। क्योंकि ये फोकस किया जाता है कि हर एक जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स वहाँ पे आते हैं, उन सबके माइंड को अच्छे से जांचा जाए, अच्छे से टेस्ट किया जाए कि वो जो है वो किस तरीके से आंसर कर सकते हैं और किस तरीके की सोचने की क्षमता उनकी है, कैपेबिलिटी देखी जाती है उनकी, कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो है उनकी थिंकिंग की वो देखी जाती है यहाँ पर। ये टेस्ट किया जाता है कि एट ए मोमेंट जो होता है बिल्कुल स्पर ऑफ द मोमेंट में कैसे वो कुछ चीज़ सोच पाते हैं, कैसे वो आंसर कर पाते हैं। तो जनरली OIR टेस्ट यही होता है, और वो इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि OIR टेस्ट जो होता है इससे
जब आपको रैंकिंग मिलती है वहाँ पे, जो रेटिंग मिलती है, ये भी बहुत कुछ डिसाइड करता है आपके फर्स्ट डे स्क्रीनिंग डे के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या जानना है कि ओआईआर टेस्ट जो होता है ये क्या है, देखिए आप, रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू टेस्ट द बेसिक रीजनिंग एबिलिटी। ये मैंने पहले भी आपको बताया कि रीजनिंग एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है, और साथ ही साथ क्या है, लॉजिक स्टैंड एंड विथ रिगार्ड टू द रेंज ऑफ मीडियम टू कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या होता है कि लॉजिकल स्टैंड आपको, क्योंकि रीजनिंग के आंसर्स करते हो आप, तो बिल्कुल लॉजिकल आपको होना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिक्स यहाँ पे बहुत काम होते हैं, क्योंकि लॉजिक से ही आपको आंसर करने होते हैं। तो आप जितने जल्दी किसी लॉजिक को समझ पाओगे, यानी कि आपके माइंड की कैपेबिलिटी, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, तब आप जल्दी से किसी चीज़ को ढूंढ पाओगे और जल्दी से आंसर कर पाओगे। तो इसलिए ये OIR टेस्ट लिया जाता है, क्योंकि ऑफिसर्स को जब बहुत बड़े बड़े केसेस होते हैं हमारे इंडिया में, तो जब आप बहुत बड़े ऑफिसर बन जाओगे तो आपको कमांड दे दिया जाएगा, तो आपको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं जो कि तुरंत लेने होते हैं, और एक डिसीजन ऐसा भी लेना होता है जो कि बिल्कुल करेक्ट हो, जो आपको बिल्कुल सूट करे, और जहाँ पे आप हो वहाँ के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इसकी वजह से ये माइंड की टेस्ट ली जाती है। तो ये रहा आपका OIR टेस्ट। अब हम लोग आगे बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस होता है, क्या लिया जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं OIR के सिलेबस में, तो इसमें सिलेबस बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आपका यहाँ पे देख सकते हैं आपकी नो नेगेटिव मार्क्स, ये बहुत ही बड़ी बात है। आपने अभी तक जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम फेस किए होंगे, मुझे लगता है आपने शायद सारे ही एग्जाम दिए होंगे जिसमें आपको नेगेटिव मार्किंग जरूर रहा होगा। पर ये जो SSB में एक खास बात है कि OIR में आपको सोचना नहीं है, आपको जितनी जल्दी हो सके आंसर करना है, लेकिन आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि मेरे नेगेटिव हो जाएंगे, तो आपको इसमें डर की बात नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है आप सभी के लिए कि आपको नेगेटिव मार्क्स यहाँ पे नहीं काटे जाएंगे। आगे क्या है, ईजी एज कम्पेयर टू SSC एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आपने जितने भी SSC के एग्जाम दिए होंगे या SSC के अलावा और भी एग्जाम दिए होंगे जहाँ पे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन किए गए होंगे, तो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे भी होंगे उनके कंपेरिजन में जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा ईजी ही होता है, या उनके लेवल का होता है, उनसे डिफिकल्ट नहीं होता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे एस्पायरेंट्स हैं जो बिल्कुल OIR टेस्ट को बहुत ज़्यादा लाइटली भी ले लेते हैं, और बहुत ज़्यादा ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज़्यादा इसे हाई करके रखते हैं कि नहीं OIR टेस्ट ऐसा है वैसा है, हमसे नहीं होता, रीजनिंग नहीं बनता है, दिक्कतें होती है। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होता है कि नेगेटिव मार्किंग वाली बात होती है कि नहीं होती, वो सोचते भी नहीं इस बारे में। तो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं होती है। जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं आपको सारे सॉल्व कर देना है, ताकि आपके लिए जो आपका रेटिंग हो वो अच्छा है। अब आगे देखते हैं क्या इसका सिलेबस है। तो देख सकते हैं यहाँ पे वर्बल टेस्ट का एक अलग कॉलम है और नॉन वर्बल का एक अलग कॉलम है। तो वर्बल टेस्ट के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो वर्बल टेस्ट क्या होता है, जिसमें आपको फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, एनालॉगीज होते हैं, फिगर मैट्रिक्स होते हैं, लोकेटिंग हिडन फिगर, हिडन फिगर रहता है उसे आपको ढूंढना होता है, कि छोटा सा लाइनिंग जैसा कुछ कर दिया जाएगा, आपको बोला जाएगा कि किस में छिपा हुआ है बताइए, ऑड वन आउट। आगे आप देख सकते हैं और भी है, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, पेपर कटिंग, प्रॉब्लम ऑन डाइस, प्रॉब्लम ऑन क्यूब्स, विजुलाइजिंग पैटर्न्स, स्पेशल एबिलिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्बल रीजनिंग किसे कहा जाता है, वैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस जिसमें आपको फिगर्स वगैरह दिए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आगे कंप्लीट सीरीज, आप देख सकते हैं नॉन वर्बल वाले कॉलम में हम लोग कंप्लीशन ऑफ सीरीज, ब्लड रिलेशन, शॉर्टर एंड टॉलर प्रॉब्लम्स, लॉजिकल वेन डायग्राम, जम्बल्ड वर्ड्स, कोडिंग डिकोडिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रॉब्लम ऑन रैंक्स, इंटरचेंजिंग टू साइंस। जैसे यहाँ पे आपको ऑप्शंस रहेंगे, मान लो 12 × 3 + 5 − 9 × 6, ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको दो साइन को किसी को चेंज करने के बाद इज इक्वल टू करके कुछ आंसर लिखा होगा, वो आपको चेंज करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे। तो आपने तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सॉल्व किए होंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ लेटर्स, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ टेस्ट, तो इस तरीके के टेस्ट आपके यहाँ पे होते हैं, जो आपका ये सिलेबस है SSB इंटरव्यू के OIR टेस्ट का। तो इस तरीके से आपका OIR हो जाता है, और ज़्यादा यहाँ पे दिक्कतें नहीं होती है, बहुत आसान सिलेबस होता है इसका, इसलिए आपको घबराना नहीं है इसके लिए। आप आसानी से प्रैक्टिस वगैरह के लिए आप कुछ बुक्स ला सकते हैं रीजनिंग की, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अगर आप कुछ बुक पहले से जानते हैं, अच्छी बुक्स, तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, मार्केट में जा करके रीजनिंग की जो सबसे अच्छी पब्लिकेशन होती है आप वो मार्केट में पूछोगे, पता करोगे, और आपको वो ले लेना है। अगर आप किसी टीचर के पास कोचिंग कर रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट में कर रहे हो, तो आप वहाँ से भी आइडिया ले सकते हो। और अगर आपको आइडिया नहीं है, आप कहीं आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं आप ज्वाइन किए हो, तो आपको कोई परेशानी नहीं है। आप क्या करोगे कि आप अरिहंत की या अरिहंत के कंपेटिटिव जो भी बुक आती है उस टाइप की कोई बुक लेकर के प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको यहाँ पे बस प्रैक्टिस बनानी है, ताकि आप कम समय में सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि टाइम ही बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है। आप सब सोचते हैं कि नहीं टाइम का कोई प्रॉब्लम, लेकिन नहीं, इसलिए भी स्टूडेंट्स घबराते हैं क्योंकि उन्हें टाइम की कमी हो जाती है। तो आपको टाइम को लेकर के सोचना नहीं है, आप प्रैक्टिस में लग जाओगे तो आपका टाइम बिल्कुल सही समय में आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। हम लोग आगे देखते हैं
अब सबसे आखिरी बात जो हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं वो है रेटिंग परफॉर्मेंस। तो ये रेटिंग परफॉर्मेंस है क्या? जैसे ही आपकी OIR टेस्ट हो जाती है, जो आपको सेट्स दिए जाते हैं क्वेश्चंस के, जैसे ही आप वो कर लेते हो तो आपके जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रेटिंग दिया जाता है। जैसे कि आप स्कूल में एग्ज़ाम देते थे तो कैसे मिलता था आपको, A+, B+, ऐसे रेटिंग जो होती थी, ग्रेड्स होती थी, उस तरीके से यहाँ पर भी आपको रेटिंग होती है। तो उन रेटिंग्स का क्या मतलब होता है वो भी हम लोग आज जानते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने ये पांच यहाँ पे रेटिंग्स आपको नज़र आ रही होंगी। हम लोग नीचे से स्टार्ट करेंगे OIR 5। देख सकते हैं यहाँ पे OIR 5, ये क्या है? बिलो एवरेज, एवरेज से नीचे। OIR 4 एवरेज, ये जो है एवरेज है। OIR 3 एवब एवरेज, OIR 2 एक्सीलेंट, और OIR 1 आउटस्टैंडिंग। तो जैसा कि आपने भी यहाँ पे देखा, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से जो है OIR की रेटिंग्स हैं। सबसे जो लो वाली रेटिंग है वो है OIR 5, जो सबसे अच्छी रेटिंग है वो है OIR 1। तो अगर आपको OIR 1 मिलता है तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए भी कैंडिडेट्स घबराते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं, हमारे इंटरव्यूइंग ऑफिसर होते हैं, हमारे ग्रुप टास्क टेस्टिंग ऑफिसर होते हैं, और भी जो ऑफिसर्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक डाउटफुल यस नो इस तरीके से उनकी जो रिजल्ट वो देते हैं वो हमारे ऊपर जो, तो उसके वजह से क्या होता है कि आपका डिसीजन होता है कि आप आगे रिकमेंड करते हो कि नहीं सेकेंड डे के लिए। तो आपको रिकमेंड किया जाएगा कि नहीं जाएगा वो OIR पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आपका OIR रेटिंग 5 होगा और अगर आगे आपको डाउटफुल मिल जाए या नो मिल जाए, ऐसे हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपको फिर अगले दिन के रिकमेंड नहीं किया जाए। तो ये सारे क्या कंडीशन है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे कि अगर आप OIR 1 लाते हो और आगे जो आपके ऑफिसर्स हैं वो आपको क्या यस बोलते हैं या डाउटफुल या नो रखते हैं, तो आप रिकमेंड होते हो या नहीं होते हो, या जो भी कंडीशन होते हैं आपके, बहुत सारे कंडीशन हैं यहाँ पे, कंडीशंस 5-6 कंडीशंस में ऐसे होते हैं जिसमें आपको यहाँ पे पता चलेगा कि आप यहाँ पे सिलेक्ट हो गए या नहीं होगे नेक्स्ट डे के लिए। तो रिकमेंड हो गए या नहीं होगे उसके बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, जब हम लोग PPDT के बारे में आपको बताएंगे, और फाइनली हम जब फर्स्ट डे यानी स्क्रीनिंग डे का जो सारा प्रोसीजर होता है वो हम क्लियर कर लेंगे, तो आखिरी में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि OIR की जो रेटिंग है और साथ ही साथ जितने भी ऑफिसर जो फर्स्ट डे में रेटिंग देते हैं खुद की ओर से, तो उसको मिला करके आप रिकमेंड होगे या नहीं होगे, ठीक है? तो हम लोग उस वीडियो में चर्चा करेंगे, बाकी जो बातें हमारी रह गई हैं वो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो लाइक करें, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर भी करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। हम बहुत जल्दी आपको SSB की तैयारी शुरू कराएंगे, क्योंकि हम पहले आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं कि SSB के जो भी इंटरव्यू आपकी होती है उसमें प्रोसीजर्स क्या क्या होते हैं। तो आप हमारे साथ ऐसे ही अपडेटेड रहें, और SSC की प्रिपरेशन के लिए हमारा ये चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब करें। हम आपको बिल्कुल विश्वास दिलाते हैं कि आपकी SSB की तैयारी हमारे चैनल के द्वारा ज़रूर हो जाएगी, आप बस हमारे साथ अपडेटेड रहें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।